हूँ चोटीला पे, आप देख सकते हो ये है चोटीला मेन हाईवे। अभी मैं जा रहा हूँ राजकोट टू अहमदाबाद। अभी मैंने इंट्रो चोटीला के मैं अभी शूट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं लोकली आया था। तो आपको लोकली अगर आप इमरजेंसी में अगर आप राजकोट से अहमदाबाद जाना चाहते हो तो किस तरह से आप जा सकते हो, उसकी सारी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। खड़ा रहा था और मेरे को ट्रैवल्स मिल गई थी अहमदाबाद की। तो इसकी जगह टिकट की बात करते हैं तो 150 रुपये टिकट यहाँ से चोटीला से अहमदाबाद तक की है। मैं अपने घर से वांकानेर तक बाइक लेके आया था और वांकानेर से यहाँ चोटीला तक मैं इको गाड़ी में आया था। उसकी अगर चार्ज की बात करें तो उसका 50 रुपये लगे थे वांकानेर से चोटीला आने का। यहाँ पे 5-10 मिनट में खड़ा रहा और डायरेक्ट मेरे को ट्रैवल्स मिल गई। आप अगर इमरजेंसी में जाना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो, डायरेक्ट आ सकते हो। अगर राजकोट से अगर आप आना चाहते हो तो आप राजकोट ग्रीन लेन जो चौकड़ी है वहाँ से आपको इजीली इस तरह की आपको ट्रैवल्स मिल जाएगी, प्राइवेट कार भी मिल जाएगी। अगर आप आना चाहते हो तो इजीली आपको ट्रैवल करने में बहुत ही अच्छा रहा, सफ़र अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको इमरजेंसी में पहुँचना होता है, आपको टिकट बुक करने का वो सब कोई झंझट नहीं रहता है। और जब आप टिकट बुक करते हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 350-450 रुपये हो जाती है। अगर इस तरह से आप लोकली ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत ही आधे दाम में आप ट्रैवल भी कर सकते हो। दोस्तों अभी मैं प्रहलाद नगर पहुंच चुका हूँ अहमदाबाद में। आने में शायद मेरे को 3-3.5 घंटे यहाँ पे पहुँचने में लगे हैं, क्योंकि कहीं पे स्टॉप नहीं था ट्रैवल्स का, उसकी वजह से थोड़ा जल्दी से मैं यहाँ पे अहमदाबाद में पहुँच गया हूँ। अभी मैं अपने रूम पे जाके आपको मिलता हूँ, जो अपना भांजा यहाँ पर रहता है उसके रूम पर अभी मैं जाऊँगा, फ्रेश होऊँगा, अभी खाना खाने का बाकी है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ जाके मैं आपको देता हूँ। तो फिर दोस्तों अभी मैं अहमदाबाद अपना जो भांजा है उसके फ्लैट पे पहुंच गया हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।